तीन दिवसीय दो दिवसीय मेला कृषि मेले को लेकर हमारे साथ झाबुआ विधायक हैं। आज किस तरह का ये मेला है, दो दिन का मेला? आज ये पूरे जिले के झाबुआ रतला अपना धानला पेटलावत के सभी किसान आज यहाँ बुलाए गए और यहाँ पर सभी प्रकार के उनके हुनर सिखाने के लिए कैसे फसल की जाए, कैसे मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने खेती को के लिए क्या कौन सा खाद, कौन सा बीज, ये सब के लिए यहाँ पे अपने एक डेमोंस्ट्रेशन देके समझाया जा रहा है। उसी तरह से किसानों का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में मेला लगवा रहे हैं हर ज़िले में, और वहाँ पर मेले में सारे हुनर भी सिखा रहे हैं और कर्जा माफ़ी वाला और झाबुआ ज़िले में 425 करोड़ 55 लाख रुपया माफ़ हो गया और आज 22 करोड़ 25 लाख रुपया आज हमने बांट दिया और हमारे बेरोजगारों को मोटरसाइकिल और उनको अपने धंधे के लिए कानून मतलब पेशा बैंक से फाइनेंस उसका भी आज चेक बांटा गया है। तो ये सब तरफ से लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए सब काम किया है। तो लोग आज सब पूरे ज़िले के आए थे, नौजवान भी आए थे, किसान भी आए थे, महिलाओं को भी मैंने काम करने के लिए उनको मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन और उनको भी फाइनेंस कराने का भी दिया ताकि वो अपने पैर पर खड़ी हो सके तो और खेती भी अच्छी कर सके, ये आज सबको बताया गया है। जिस तरह के राजनीति बात करूँ, दिल्ली में दंगे हुए हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई तब से बहुत ही बुरी हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। तो आप देखें, अपन हमेशा मोदी जी और अमित शाह जी कहते हम गुजरात का मॉडल लाएंगे, गुजरात का मॉडल दिल्ली में लागू कर दिया। जिस समय उन्होंने पहले दंगा करा के 3000 लोगों को मैंने कत्लेआम करवाया था, आज दिल्ली में भी सैकड़ों लोग मारे गए, पर एक 50-100 की बात कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चों को गोली से उड़ाया गया और ये केंद्र सरकार की पुलिस देखती रही। ये केंद्र सरकार में प्रशासन पूरा अमित शाह और मोदी के कंट्रोल में है, तो आज उन्होंने पूरी लावारिस कर दिया और कानून नाम की क्वेश्चन नहीं और वहाँ पर आज दंगा हो रहा, मारकाट हो रही, पूरी बुरी हालत हो रही है। तो हम महिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल इस्तीफा दिलाए, उसका बर्खास्त करे और ये जांच CBI से जांच कर रहा है, IB से जांच कर रहा है कि उसमें सरकार क्यों सोती रही और प्रशासन का पुलिस हाथ पे हाथ धर के खड़ी थी। ये अमित शाह ने कहा कि कत्लेआम करने दो, बोलो मत, ये हालत जैसे गुजरात में की ऐसे अमित शाह ने दिल्ली में करवा दी, तो उसको तत्काल बर्खास्त कर अमित शाह को। तो ये है झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया का कहना है कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसकी लेकर हम खबर फिर आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार। Thank you.